हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आपके साथ आज हम बनाएंगे आम के पापड़। इसके लिए लिए है हमने यहाँ पर 2 किलो आम। सबसे पहले हम आम को छील कर इसके पीस कर लेंगे। सारे आम के पीस करके हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। इसके लिए हमने शक्कर लिए हैं यहाँ पर 500 ग्राम। आम और शक्कर को हम डालकर मिक्सर में पीस लेंगे। आम और शक्कर को मिक्स करके हमने पीस के इसका मिश्रण तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें थाली में डालकर अच्छी तेज धूप में सुखा लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। आम के मिश्रण को हम थाली में डालेंगे। पापड़ आपको ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, इसलिए कम से कम आधा इंच का पापड़ आपको रखना है इसमें। देखेंगे, कम से कम आधा इंच का हमने इसमें रखा है, इतनी मोटाई हमारे पापड़ की रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पापड़ रबर की तरह खींचने लगते हैं। उसका कारण भी होता है कि शक्कर यदि हमारी पापड़ में कम होगी तो उसमें पापड़ खींचता है, इसलिए इसमें शक्कर भी अच्छी होनी चाहिए। 1 किलो आम पर हम 250 ग्राम शक्कर डालते हैं। हमने यहाँ पर 2 किलो आम लिए हैं तो हमने 500 ग्राम शक्कर लिए यहाँ पर। इस तरीके से हम सारे मिश्रण को अलग अलग थालियों में डाल लेंगे और इसे धूप में सुखा लेंगे। देखिए, हमारे पापड़ को हमने 2 दिन धूप में सुखाया है। अब हम इसे पलट देंगे। इस तरीके से आप निकालेंगे इसे, और यदि आप चाहें तो अब इसे आप कपड़े पर डालकर भी सुखा सकते हैं, नहीं तो थाली में भी सुखा सकते हैं। थाली में जल्दी सुखाएंगे तो देर लगेगी, कपड़े पर जल्दी सूख जाएगा। देखें, हमारे जो पापड़ हैं वो बहुत अच्छे से अब सूख गए हैं। अच्छी धूप में 3 से 4 दिन में हमारे पापड़ अच्छे से सूख जाते हैं। अब हम इन पापड़ के पीस कर लेंगे और किसी एयरटाइट डब्बे में भर कर रख लेंगे तो आप इसे लंबे समय तक खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी आम के पापड़ बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।